सिगरेट पीना तो मर्दों के लिए भी बुरा है, ख़वातीन के लिए भी बुरा है, जो पीते हैं उनको, तो मैं भी कभी कभी पी लेता हूँ, तो गलत बात है, नहीं पीनी चाहिए सिगरेट, दोनों को नहीं पीनी चाहिए, मर्दों को भी नहीं पीनी चाहिए, औरतों को भी नहीं पीनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि औरत का सिगरेट पीना को उतनी ही बुरी चीज़ है इतना मर्द का सिगरेट पीना है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई वो देख के कि कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता है किसी चीज़ को सोशल मीडिया पे, लाइक्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए। वो जो उसकी कमर पे निशान आप देख रहे हैं जूम इन होता हुआ कि जी ये कोई हिक्की है कि लव बाइट है, वो उसकी सिस्ट की सर्जरी हुई थी। मैं उसकी कहते ना उतमादारी भी करने गया था, वो मैंने देखा वो मार्क उसके यहाँ पे, उसका वो उसका मार्क है जो सिस्ट की सर्जरी हुई थी वो अभी भी है उसका मार्क। वो उस बेचारी का मार्क जो है कि जी ये देखें, इज दैट अ हिकी, इज दैट अ लव बाइट, आई थिंक दैट इज़ डिस्गस्टिंग। तो ठीक है, जहाँ पे लोग इंटरेस्ट रखते हैं सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ में, गॉसिप में, अनफॉर्चुनेटली गॉसिप का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ अ सिस्ट मार्क, सिस्ट का जो ऑपरेशन हुआ था उसका, और आई थिंक अपोलोजाइज करना चाहिए उन सारे पेजेस को जिन्होंने इस तरह की नॉनसेंस फैलाई है। सो आई थिंक एक्सप्लॉयटेशन इज़ बैड। बाकी ठीक है, पापाराज़ी पूरी दुनिया में ट्रेंड है, हॉलीवुड में भी पापाराज़ी आते हैं, कोशिश करते हैं पर्सनल तस्वीरें मिलें, फिर वो येलो जर्नलिज्म का एक खासा है कि जी अंदर की कहानी आपको दिखाते हैं, आखिर ये सेलिब्रिटी इस होटल में क्या कर रहा था, पूरी दुनिया में होता है, बट आई थिंक एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। सो आई नो फॉर अ फैक्ट, मैंने खुद देखा है, वो उसका सिस्ट ऑपरेशन का मार्क है, उसको प्लीज़ एक्सप्लॉयट मत करें एज अ भिक्की और अ लव बाइट। और सिगरेट तो खैर मर्दों के लिए भी बुरा है और औरतों के लिए भी बुरा, दोनों को नहीं पीनी चाहिए।